नमस्कार, संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक एकांकिकार का परिचय। कौन? मोहन राकेश। तो देखिए, मोहन राकेश का परिचय आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। इनकी प्रसिद्धि यदि देखें तो नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। हालांकि इन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, एकांकी भी लिखे, परंतु प्रसिद्धि है वो इनकी मानी जाती है नाटककार के रूप में। जीवन से संबंधित तथ्यों को यदि अपन जाने तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? तो अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ। अमृतसर पंजाब इनकी जन्म स्थली मानी जाती है। मृत्यु की यदि बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1972 ईस्वी में। और 1972 ईस्वी में कहां हुई इनकी मृत्यु का स्थान जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति जहां पर जन्म लेता है अपनी जन्मभूमि में ही निवास करता है, वहीं पर उसका अंत समय गुजरता है। परंतु ये अमृतसर में नहीं थे, ये दिल्ली में थे। तो दिल्ली इनका या नई दिल्ली इनका जो स्थान माना जाता है, बाद में ये नई दिल्ली में थे और अंत में हृदय की गति रुकने से, हृदय की गति यानी हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1972 में हुई थी। कहां हुई? दिल्ली में हुई। देखिए, अगर लेखन कार्य में रुचि की बात करें तो इन्हें ये चीज विरासत में मिली। इनके पिता पेशे से तो वकील थे परंतु उनकी साहित्य में रुचि थी, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा और इनकी भी साहित्य में रुचि हुई। इनके पिता की मृत्यु इनकी छोटी अवस्था में ही हो गई थी। तो पिता का साया सिर से हटने के बाद इन्हें काम करना पड़ा। तो इन्होंने है वो शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, यानी शुरुआत इन्होंने व्यवसाय से की। और किस व्यवसाय से? शिक्षक से। ये शिक्षक नियुक्त हुए, काफी जगह पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया और साथ साथ बाद में धीरे धीरे इनकी जब साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी तो इन्होंने सारिका नामक पत्र का संपादन कार्य भी शुरू किया। सारिका का संपादन कार्य, सारिका एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, इसका संपादन कार्य इन्होंने किया। परंतु थोड़े समय बाद ही इनको एहसास हुआ कि भी मेरे स्वतंत्र लेखन कार्य में ये बाधक बन रही है, सारिका बाधक बन रही है। क्यों? क्योंकि इसको भी समय देना पड़ रहा था और स्वतंत्र लेखन के लिए फिर समय नहीं बचता था। तो बाद में इन्होंने इसका भी संपादन कार्य छोड़ दिया था और फिर इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र लेखन कार्य किया। तो इन्होंने है वो नाटक लिखे, तो इसलिए ये नाटककार भी थे। इन्होंने उपन्यास लिखे तो ये उपन्यासकार भी थे। इन्होंने कहानियां लिखी तो इसलिए ये कहानीकार भी थे। हालांकि इन्होंने निबंध भी लिखे थे, एकांकी भी लिखे थे, परंतु सर्वाधिक यदि प्रसिद्ध बात करें तो कहानीकार के रूप में ये जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में और नाटककार के रूप में। फिर भी यदि प्रसिद्धि की बात करें तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी? इनकी प्रसिद्धि थी नाटककार के रूप में। एक नाटककार के रूप में ही ये अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद अपन बात करें इनसे इनके जीवन समय की तो देखिए, नई कहानी आंदोलन हिंदी में चला था। नई कहानी आंदोलन उस समय ये थे और उस समय इन्होंने इतने अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी कि नई कहानी आंदोलन के ये महानायक कहलाए, महानायक कहलाए। आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए, नई कहानी आंदोलन में एक नायकों की सूची प्रकाशित हुई थी कि भाई इस कहानी आंदोलन में सबसे महती भूमिका किसकी है। तो उन नायकों में ये महानायक कहलाए, अर्थात इनकी रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट रूप में मानी गई थी। नई कहानी आंदोलन में इन्होंने लेखन कार्य किया। तो नई कहानी आंदोलन तो नई कविता युग के बाद का समय है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि अपन आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में पहला चरण तो भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग माना जाता है।
दूसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग माना जाता है, तीसरा चरण छायावाद माना जाता है, चौथा चरण प्रगतिवाद माना जाता है, पांचवा चरण प्रयोगवाद माना जाता है और छठा चरण किसका माना जाता है, नई कविता युग का माना जाता है, जिसमें भी 60 के बाद 60वीं कविता मान ली जाती है। आपको मैंने यहां पर बताया कि भाई तीसरा चरण किसका है, छायावाद काल का है और पहला चरण किसका है, भारतेंदु जी का है। देखिए छायावाद काल में जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके जैसे नाटक किसी ने नहीं लिखे, कब तक, जब तक मोहन राकेश नहीं थे। तो ये कहाँ आए, ये तो यहां के बाद लेखन कार्य में इनकी रचनाएं हैं वो अधिकतर सामने आने लगी थी। तो छायावाद युग में प्रसाद जी व भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने जितने उत्कृष्ट नाटक लिखे थे उसके बाद यहां पर आने के बाद मोहन राकेश ने इतने उत्कृष्ट नाटक लिखे कि इनके समकक्ष लाकर स्वयं को खड़ा कर लिया। नहीं समझे, दोबारा बताती हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जन्म 25 मृत्यु 72, यानी इनका जीवन काल 25 से 72 तक का माना गया। सारिका का संपादन किया, प्रसिद्ध नाटककार के रूप में थी और इसके साथ साथ ये नई कहानी आंदोलन के महानायक ये माने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं देखिए इन्होंने जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैंने आपको कहा कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और ये ऐसे नाटककार थे जिनके लगभग सारे नाटक उत्कृष्ट माने जाते हैं। और इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद के नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के समकक्ष कौन माने जाते हैं, मोहन राकेश। इन्होंने उत्कृष्ट नाटक लिखकर स्वयं को इनके समकक्ष लाकर खड़ा कर लिया था। ये देखिए, तो यहां पर अपनों ने देखा कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद की जो छवि मानी जाती है हिंदी साहित्य में, उत्कृष्ट नाटककार की छवि मानी जाती है, मोहन राकेश की भी उन्हीं के बराबर जो छवि है वो मानी जाती है। इन्होंने है वो नाटकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूं, आप वीडियो रोक कर भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। इनकी यदि अपन बात करें तो देखिए इन्होंने नाटकों के आस्वाद तेवर व स्तर को ही नहीं संभाला बल्कि इन्होंने नाटकों के आस्वाद यानी ऐसे नाटक जो रसा अनुभूति करवाने वाले थे, बहुत ही सुंदर नाटक थे जो आनंद देने वाले, इनके तेवर और इनका स्तर इसको इन्होंने बनाए रखा। साथ साथ इन्होंने है वो नाटकों की दिशा ही बदल डाली थी।
इसका मतलब क्या है कि देखिए इन्होंने मौलिक नाटक लिखे थे। नाटक की एक मौलिक प्रकृति होती है कि वो जो श्रोता होता है, जो पाठक होता है, उसके हृदय में आनंद की अनुभूति करवाता है। जब भी अपन नाटक देखते हैं, टीवी सीरियल, ये भी तो नाटक ही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ऐसे खो जाते हैं उनमें कि उनको आसपास का ही ध्यान नहीं होता। तो इन्होंने अपने नाटकों में इन सब चीजों को तो बनाए ही रखा था, साथ ही साथ इन्होंने विषय वस्तु में नाटकों की दिशा ही बदल कर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अर्थात नाटकों के क्षेत्र में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखी इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें, और अब अपन बात करने जा रहे हैं इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो प्रमुख रचनाओं में मैंने आपको बताया कि भाई इनके ये एक उपन्यासकार के रूप में थे। तो उपन्यासकार के रूप में इनकी औपन्यासिक रचनाओं की यदि बात करें तो इनके उपन्यास कौन कौन से माने जाते हैं। इनके उपन्यास, इनकी रचनाएं ज्यादा नहीं मिलती, परंतु जितनी मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उपन्यास तो इनका है अंधेरे बंद कमरे, ये इनकी औपन्यासिक रचना है। एक इनकी अंधेरे बंद कमरे के साथ साथ एक औपन्यासिक रचना इनकी मानी जाती है अंतराल, और एक औपन्यासिक रचना मानी जाती है न आने वाला कल। ये इनकी तीन अत्यंत महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं मानी जाती है। उसके बाद अपन इनके द्वारा रचित, मैंने कहा कि भी प्रसिद्धि किस रूप में थी, नाटककार के रूप में थी। तो इनके प्रमुख नाटकों की यदि बात करें तो नाटक भी ज्यादा नहीं मिलते, परंतु ऐसे नाटक है जो लगभग यूनिवर्सिटीज स्कूल तक के सिलेबस में इनके नाटकों को रखा जाता है। तो आप समझ जाएंगे जैसे ही मैं नाम लिखूंगी, आपको याद भी आ जाएंगे। आधे अधूरे इनका महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। लहरों के राजहंस और इसके साथ साथ आषाढ़ का एक दिन भी इनका महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, या इनकी महत्वपूर्ण नाट्य रचना मानी जाती है आषाढ़ का एक दिन। और एक नाटक इनका और माना जाता है पैरों तले की जमीन, ये भी इनका नाटक है, परंतु ये इस नाटक को पूरा नहीं कर पाए थे। इनका ये नाटक है वो अधूरा रह गया था। तो कमलेश्वर एक प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, कमलेश्वर, इन्होंने इस नाटक को पूरा किया था। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि देखिए ये जो है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, तीनों उस समय के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। तो मोहन राकेश भी महत्वपूर्ण थे, उत्कृष्ट लेखक थे, कमलेश्वर भी उत्कृष्ट लेखक थे, राजेंद्र यादव भी। तो इन्होंने पैरों तले की जमीन नामक नाटक को अधूरा छोड़ दिया था, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था। जब अपनों ने इनकी इनके नाटक को देख लिया तो अपन इनका एक एकांकी संग्रह मिलता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो इनका एक एकांकी माना जाता है जिसका नाम है अंडे के छिलके, इनका महत्वपूर्ण एकांकी माना जाता है। ठीक है, इसके साथ यदि अपन इनके निबंध की बात करें तो निबंधात्मक रचना भी इनकी ज्यादा नहीं मानी जाती, तो निबंध भी इनका एक ही माना जाता है, जिसकी यदि बात करें तो परिवेश नाम इसका माना जाता है। और इसके साथ साथ इनकी एक यात्रा वृतांत भी मिलता है इनके द्वारा रचित, और यात्रा वृतांत की यदि बात करें तो इनके द्वारा रचित था आखिरी चट्टान तक नामक इनका महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत
मिलता है। तो यहाँ पर अपनों ने मोहन राकेश द्वारा रचित विभिन्न रचनाओं की बात करी, जिसमें उपन्यास में तो अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल प्रमुख औपन्यासिक रचनाएं हैं। नाटक आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन जो कि अधूरा था कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया, यात्रा वृतांत एक ही है, आखिरी चट्टान तक निबंध भी एक ही है, परिवेश एकांकी भी एक ही है, अंडे के छिलके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इनकी कुछ कहानी संग्रह भी है, उनको भी अपने देख लेते हैं। तो देखिए, इनके द्वारा रचित कहानी संग्रहों की यदि अपन बात करें तो ज्यादा ऐसे नहीं है कि अपने को याद करना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीन कहानी संग्रह इनके मिलते हैं जिनके नाम बहुत ही आसान है। एक तो नाम है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, एक तो इस नाम से मिलता है कहानी संग्रह। एक मिलता है पहचान तथा अन्य कहानियां, और एक मिलता है तीसरा लावारिश तथा अन्य कहानियां, ये आपको ध्यान में रखना है भी, इनकी ये कहानियां नहीं है, कहानी संग्रह है, अर्थात इनमें बहुत सारी कहानियां है, इसलिए तीनों में साथ साथ अन्य कहानियां आया है। यानी इसमें महत्वपूर्ण कहानी क्वार्टर है, इसके साथ कुछ अन्य कहानियां दी गई है, तो इस प्रकार से ये इनके कहानी संग्रह। अब अपन बात करते हैं इनके सम्मान की। तो इनको एक सम्मान दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे मैं बता देती हूँ। इन्हें एक सम्मान दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, इन्हें 1968 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से इन्हें नवाजा गया था, अकादमी सम्मान। तो ये इनका महत्वपूर्ण सम्मान है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये थे मोहन राकेश, जिनकी प्रमुख रचनाओं के साथ साथ जीवन परिचय को अपनों ने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में अपन मिलते हैं इनके द्वारा रचित एकांकी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।